फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट में हमारे ये ब्लैंक ऑलरेडी यहाँ पे लाइन है कौन फूफू बहुत ही ज्यादा ठंड है मेरा फूल सो वी आर गोइंग सो दिस इज फॉर यू गुड मॉर्निंग सो टुडे इज 30th ऑफ डिसम्बर और आज हम ले रहे हैं इस साल की फर्स्ट एंड लास्ट पिकनिक फर्स्ट इसलिए बिकॉज पूरा साल हमने कोई पिकनिक की नहीं है नॉर्मली जब विंटर्स आती हैं तो दिल्ली में वेदर इतना अच्छा होता है दैट्स द टाइम टू एक्सप्लोर आउटडोर बट इस साल ज्यादा कुछ कर नहीं पाए आज कबीर का बहुत ही ज्यादा मन था तो हमें लगा ईयर एंड हो रहा है तो किसी आउटडोर जगह पे उसको लेके चलते हैं जहां लोग कम हो क्योंकि वीकडे है और सेफ्टी भी हो और लास्ट इसलिए बिकॉज कल साल खत्म हो जाएगा तो साल की फर्स्ट एंड लास्ट पिकनिक एंड दैट इज कबीर वो अपनी कार सीट में बैठ के अभी खा रहा है थोड़ा सा ब्रेड जैम कबीर से हाय हाय तो बोलो वो देखो वो इतना ज्यादा अपनी ब्रेड जैम को इंजॉय कर रहा है एंड साथ में हमारे ये ब्लैंकेट भी आया है नॉर्मली पिकनिक पे पिकनिक का सामान आता है बट ब्लैंकेट भी आया क्योंकि इतनी अच्छी धूप है I will not sit on your उल्टा पुल्टा Guys, मुझे जरूर बताना कमेंट करके अगर आपके बच्चों का भी कोई फेवरेट चीज है जिसके बिना दे एब्सोल्युटली कैन नॉट डू सो ये कबीर का कंफर्ट ब्लैंकेट है एंड डैडी अभी ड्राइव कर रहे हैं मुझे लगा व्लॉग ओपन कर देते हैं बिकॉज अभी दिल्ली में जाते ही मास्क पहनना पड़ेगा सो उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि हम लोग कैसे लग रहे हैं और आउटिंग के लिए कितना एक्साइटेड है सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ऑलरेडी यहाँ पे लाइन है टू इवन एंटर द नर्सरी सो यू कैन इमेजिन दैट वीकडेज पे भी क्या कंडीशन है एंड दैट इज कबीर आउटफिट ऑफ द डे कैप इज वेरी ओल्ड ग्लासेस आर रेबन मास्क इज लोकल शॉप जैकेट आई थिंक इज वेनेटन स्वेटर इज वेनेटन जीन्स आई डोंट रिमेम्बर शूज इज केचप से हाय विल यू लुक फॉर अ पीकॉक कुकू सेटल हो गए हैं एंड आई कांट बिलीव इट आई जस्ट सेड दैट आई डोंट थिंक रश होगा बट आप जहाँ नज़र डालोगे ना वहाँ पे देर आर पीपल सो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं दिस प्लेस इज कॉल्ड सुंदर नर्सरी ये निज़ामुद्दीन में है हुमायूं टॉम्ब के बिल्कुल साथ ही है ये कार पार्क के लिए बाहर जगह है 5 मिनट लगते हैं 5 मिनट का वॉक करोगे आप पार्किंग के बाद तो आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं दिस इज दिस ह्यूज गार्डन वेरी वेल मेंटेन गार्डन बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं फाउंटेन्स हैं प्लस इट इज़ डॉग फ्रेंडली जस्ट इन केस यू हैव अ डॉग एंड किड्स हैव कम विद देयर साइकिल्स एंड देयर लिटिल स्कूटर्स सो वो हो रहा है किड्स आर प्लेइंग गेम्स एंड देयर इज दिस वन कैफे इनसाइड बाय द नेम ऑफ फैब कैफे हमने भी वहाँ का खाना ट्राई नहीं किया बट आई थिंक वील हैव कॉफी और समथिंग फ्रॉम देयर बट इट इज़ अमेजिंग और अभी हम यहाँ जहाँ बैठे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है बिकॉज बिल्कुल पानी के पास बैठे तो और ज़्यादा ठंडा लग रहा है बट या लव द प्लेस इट सो नाइस हम हमेशा ना नॉर्मली दिल्ली में पिकनिक के लिए जब जाते थे तो आइदर इट यूज टू बी इंडिया गेट और इट यूज टू बी लाइक लोधी गार्डन बट इस बार हमने कहा चलो सुंदर नर्सरी ट्राई करके आते हैं एंड वाओ दिस इज अमेजिंग Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around.
Wow, Kabir has clicked two beautiful. Hold it straight. Kabir, you have clicked beautiful pictures. So nice. High five. Who's the winner? It is Daddy enjoying his peanuts. Daddy, how are you liking the place? Amazing. It's an amazing place. So the dogs. This is what I'm liking. Wo banda. कबीर इतना एक्साइटेड है कि ना वो कुछ करने दे रहा है ना बात करने दे रहा है. उसको बस पूरी मस्ती करनी है, चिप्स खाने हैं, पिक्चर क्लिक करनी है. उसको मैं ना बता भी नहीं सकता कि पोलरॉइड में क्लिक कैसे करते हैं. एग्जैक्टली. उसी चक्कर में उसने दो फिल्म भी खराब कर दी, विच इज फाइन, बट वो ना बताने learning, नहीं देता. बट गाइज, एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अगर आएंगे आप तो खाना जरूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है फैब कैफे. वो फैब इंडिया वाले चलाते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन स्पेशली, क्योंकि धूप निकली हुई है और थोड़ा मतलब ब्रेक का भी टाइम है, बहुत ज्यादा भीड़ है. आधे घंटे का वेटिंग है. बताऊं मैं तुम्हारे पीछे जो ट्री है ना, हाँ, ये एक हॉन्टेड ट्री है. अच्छा, ये हॉन्टेड ट्री हो गई. सच्ची बता रही हूँ. तो खाना अपना खुद लेके आई, बढ़ के तुम्हारे तरफ आ रहा है. कबीर भूखा है तो हम उसको खाना खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं. टॉपिक. अरे यार, दिन के टाइम पे तुम क्या डरा रहे हो? तुम डरते हो बहुत ज्यादा. बहुत अच्छा व्यू आ रहा है पीछे से. बट अदरवाइज द प्लेस, यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? एंड देयर इज अ डॉगी. आई फील वेरी नाइस. इट्स द बेस्ट पार्ट इज ये जो वाटर बॉडी है ना, ये काफी अच्छा किया हुआ. क्योंकि नॉर्मली जो लोधी गार्डन का वाटर बॉडी है बिल्कुल स्टिल वाटर है, उसमें कुछ है नहीं. बीच में एक बस फाउंटेन है. यहाँ पे वाटर बॉडी काफी एक्सटेंडेड है, पूरे पार्क को एक तरफ से कवर करता है. सो दैट्स वेरी नाइस. एंड गाइस, मतलब अगर आप ऐसे पिकनिक के लिए निकल रहे हो तो ऐसा प्लान बनाओ कि हुमायूं टूम भी विजिट करो और फिर सुंदर नर्सरी में आके आराम से रिलैक्स करो दिन के टाइम में, तो आपकी डबल चीजें कवर हो जाएंगी. हुमायूं टूम इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, तो वो जरूर करो. और अभी ये हो गया, आप देख सकते हो धूप चली गई और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है. भूख भी लग रही है, भूख लग रही है बहुत तेज. तो आई थिंक वी आर गोना रैप अप, राइट गाइस? आर वी रैपिंग अप? शॉर्ट पिकनिक, अब चलते हैं. लेट्स गो. The love we found is something about you, something about you I like, about you I like. I get you drunk. So guys, finally after waiting for long, we've reached a place where we can eat our food. So we are at Big Chill now, Khan Market. यहाँ पे entry के लिए बहुत लंबी line थी, उसके बाद waiting बहुत था, because obviously social distancing की वजह से उन्होंने tables काफ़ी खाली छोड़े हुए हैं. सो बट इवेंचुअली दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस इन केस यू विजिट दिल्ली. या आप दिल्ली में रहते हो तो पता ही होगा आपको कि बिग चिल खान मार्केट इज़ वेरी फेमस. तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना मिलता है, यमी यमी. तो अभी हम खाने लगे हैं और फिर वी विल हेड बैक होम. ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. एंड लुक व्हाट कबीर हैज़ फाउंड. ओके, टेल मी व्हाट ऑल हैव यू गॉट. नो बट आई वांट. अच्छा ठीक है. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ ट्राइसेराटॉप. नो. व्हाट इज़ इट? टेरोडैक्टाइल. And Daddy is super busy taking out Kabir's dinosaurs. इसको कहीं पे भी dinosaurs दिख जाते हैं ना Daddy? नहीं, actually ना वो बहुत भूखा था तो cranky हो रहा था, तो थोड़ा distract करने के लिए dinosaur दिखा दिया. क्या क्या dinosaurs है इसमें, दिखाओ. इसके अंदर है, ये है, which one is this? Pterodactyl. Then Velociraptor, Stegosaurus, and this one I think is a T-Rex. No. Then? Yeah. Looking at me, and I said, "Hey, Pterodactyl, I'm going to destroy you today." He's coming back. Oh! So Kabir is going to eat margarita pizza. And Daddy, what are we going to? No, this is for you, prawns. And this one is actually for me. Grilled lamb chops, and prawns. Daddy didn't wait for anybody, so I'm going to cook. He started. So guys, finally we are about to reach home. पूरा दिन जो है एंड होने वाला है. इट्स अबाउट 7 o'clock राइट नाउ. टाइम लग गया बिकॉज ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा था दिल्ली में. वी हैव जस्ट स्टॉप्ड हियर. हमारे पीछे एक मार्केट है, वहाँ पे सौरभ को काम से उतरना पड़ा. मन बिल्कुल नहीं था बिकॉज इतनी ज्यादा ठंड हो गई है कि मतलब ऐसे लग रहा है 7 बजे भी आप शिवर कर रहे हो. लेस देन 10 degrees टेम्परेचर वाली फील आ रही है. ऑल्दो आई थिंक 11-12 डिग्री होगा अभी बिकॉज ऑफ द विंड. वैसे बाहर जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी, बट शाम होते होते जैसे ठंड पड़ी ना तो ऐसे लगा यार बस
नो प्लेस लाइक होम. घर में जो आपको कंफर्ट मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता. ओ सॉरी, मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर तो कहना भूल ही गई. आई विश दैट 2021 हम सबके लिए एक्चुअल में एक हैप्पी न्यू ईयर ही हो एंड कोविड की वैक्सीन आ जाए और ये सब कुछ खत्म हो जाए एंड लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए. 2020 वॉज अ ईयर ऑफ सैडनेस फॉर अ लॉट ऑफ अस फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस. But yeah, we always have to look forward. So that's what we are all are going to do. Keep your spirits high and enter 2021 with the positivity is the message that we would like to give you all. Yeah, till then, stay safe and stay happy, everyone. Bye-bye.